मैं एक घंटे में लेके आऊं तो मैडम ही बोलने आए हमारे, वो एक घंटे में टायर्ड हो जाती है। और पहले जमाने में आखा जाना आना जाना करता था। जैसलमेर की रहने वाली लड़की थी और डेजर्ट में उनकी शादी हुई थी। शहर की रहने वाली लड़की थी और दौरा दर्जी में उनकी शादी हुई थी। तो उनको गर्मी सहन नहीं होती थी। तो पत्नी ने पिया जी को बोला कि आप जरा जैसलमेर जाइए, चार नींबू लेके आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज चल रही है, मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी, नहीं तो मैं फिर चला जाऊंगी जैसलमेर। पिया जी ने बोला प्लीज कल मैं जाऊंगा जैसलमेर, आपके लिए नींबू भी लाऊंगा और साथ में उड़ने के लिए चुन्नी भी लाऊंगा। फिर से पत्नी ने बोला चुन्नी लाना है मत लाना, नींबू जरूर लेके आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज चल रही है, नहीं तो आपके घर में नहीं एसी है, नहीं कूलर है, नहीं पंखा है, मैं इसे झोपड़पट्टी में कैसे रह पाऊंगा। पिया जी ने बोला बहुत हो गया तेरा नाटक, कल मैं जाऊंगा आपके लिए नींबू जरूर लेके आऊंगा, नींबू जरूर लेके आऊंगा। फिर से पत्नी ने पिया जी को क्या बोला, गौर से सुनिए, बहुत अंदाज़ है आपको। जैसलमेर जाई तुम्हारा बालमा, पत्नी ने पिया जी बोला गौर से सुनिए, बहुत अंदाज़ है आपको। जैसलमेर जाई तुम्हारा बालमा, थे निबुड़ा लई दो चार, अरे साथ में लई दो चुनरी, मारी भोर रोजी सनगा। तो सुबह दिनों का पिया जी जैसलमेर चला गया और आखा दिन बाजार में उधर उधर घूमने लगा। शाम का लोग घर आया तो नींबू भूल गया और चुन्नी लेके घर आया, जो पत्नी ने मंगाया था वो भूल गया और चुन्नी लेके घर आया। पत्नी ने बोला मैंने जो नींबू मंगाए थे कहाँ। पत्नी ने कहा बहाना बनाया कि नींबू कच्चे थे, पके नहीं थे, इसमें लाया नहीं। पत्नी ने बोला यार कच्चे पके लाया था, गर्मी बहुत तेज चल रही है तो मैं तो भूल गया। फिर से पत्नी ने बोला ये माली का बगीचा नजदीक है, इसके पास जाओ, नींबू जरूर होगा, लेके आओ। पिया जी मालिक बच गया, क्या बोला माली थारे बाग में, अरे निपचे नींबू दाड़ बता, ये बनबा कानो रस नहीं मिले री, पिया थोड़ी थोड़ी धीर तेरा। तो पिया जी ने मालिक पास नींबू मांगा, सर जी नींबू मिल सकती है। तो उस बगीचे में माली नहीं था, एक मेरे जैसा मजदूर था। तो मजदूर ने बोला भाई साहब माली गांव गया हुआ है, दो दिन बाद में आना, तब नींबू लेके जाना, अभी माली नहीं है। फिर से पिया जी ने क्या बोला जैसलमेर गए तो नींबू भूल गए और बगीचा में तो माली नहीं, अब मैं पत्नी को क्या जवाब दूं। फिर से पिया जी ने पत्नी को क्या जवाब दिया, गौर से सुनिए, बहुत अंदाज़ लगा। तो मेरे सामने भाई साहब आपका नाम बताइए, सर आपका नाम बताइए। हाँ जी नीलेश, नीलेश जी गौर से सुनिए।